Hello guys, how are you? Hope you all fine. Welcome to my YouTube channel Modern Trading. Guys, you know Modern Trading channel पर candlesticks pattern को लेकर के short tricks को लेकर के एक series चला रही हूँ, जिसमें part 1 में आप सभी ने जाना hammer and hanging man के बारे में, part 2 की videos में मैंने आप सभी ने जाना gravestone doji and dragonfly dojis के बारे में, part 3 की videos में आप सभी ने shooting stars के बारे में जाना, part 4 की videos में आप सभी ने morning star and evening star के बारे में जाना, पार्ट 5 की वीडियोस में आप सभी ने मारुवुज़ू कैंडल्स के बारे में जाना, पार्ट 6 की वीडियोस में मैंने आप सभी को लॉन्ग लेग्ड दोजी एंड न्यूट्रल दोजीज के बारे में बताया, लेकिन आज पार्ट 7 के इस वीडियोस में मैंने आप सभी को बताने वाली हूँ स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। ये क्या होते हैं, स्प्रिंग टॉप किस तरह से वर्क कर सकते हैं, किस तरह से ये ट्रेडिंग चार्ट पर अप्लाई हो सकते हैं, किस तरह से हम इनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर, हम उनका अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, किस तरह से हम इनके सारे पॉइंट्स कवर अप कर सकते हैं, सारी चीज़ों का हम कवर अप करने वाले हैं। तो गाइज, आज का ये पार्ट 7 वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो गाइज, आज का ये स्पिनिंग टॉप वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ओके, जहाँ आप सभी को डेली कुछ ना कुछ फ्री श्योर शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनको फॉलो करके आप अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ओके। एंड गाइज, अगर आप सभी ने क्यूटेक्स पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्यूटेक्स पर जाकर के आप अभी अकाउंट क्रिएट कीजिए, ओके, एंड हमारे सेशंस को फॉलो कीजिए, ओके। सो आप वहां से वीआईपी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीआईपी ग्रुप के मोर ट्रेड प्रोवाइड कराई जाती हैं, उनको फॉलो करके आप मोर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ओके। सो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, एंड ये स्प्रिंग टॉप क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में, ओके। ट्रेडिंग चार्ट पर स्पिनिंग टॉप एक इंपॉर्टेंट कैंडल है, ओके, जो कि हर 5 मिनट्स में, 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में आप सभी को ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखने को मिलता है, ओके। स्पिनिंग टॉप की बात करूँ, इनके लुक्स एंड टाइप्स की बात करूँ तो ये कुछ इस तरह के होते हैं, आप देख सकते हैं, ओके, ये कुछ इस तरह के होते हैं, जिनकी अपर शैडो और लोअर शैडो दोनों इक्वल दे रखी होती हैं, ओके, एंड इनका जो बीच का जो बॉडी पार्ट होता है वो दोनों की इक्वल दे रखा होता है, दोनों के मिडिल पॉइंट पर होता है, ओके। ये स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक्स होते हैं, इन्हें चाइल्ड बार भी कहते हैं, ओके, चाइल्ड बार कैंडलस्टिक्स, बस डिफरेंस ये रहता है कि ये कुछ छोटी सी होती है, ओके। अब स्प्रिंग टॉप की मैं कंपेयरिंग करूँ तो एक और कैंडल है जिनके लुक्स एंड टाइप्स इनके सिमिलर होते हैं, आप मैंने जिन पार्ट 5 में जिस कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में बताया था, लॉन्ग लेग्ड दोजी, ओके, लॉन्ग लेग्ड दोजी एंड स्प्रिंग टॉप, ये कैंडल देखने में सिमिलर होती हैं, डिफरेंस ये होता है कि लॉन्ग लेग्ड दोजी के मिडिल पॉइंट पर जो बॉडी पार्ट होता है बहुत पतला होता है, एज शैडो के जैसे देखने में लगता है, सिमिलर होता है, ओके, एंड स्प्रिंग टॉप में जो बीच का मिडिल पॉइंट का जो बॉडी पार्ट होता है वो लॉन्ग लेग्ड दोजी की कंपेयरिंग में थोड़ा सा मोटा होता है, ओके, आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, बस ये सिमिलैरिटी होती है लॉन्ग लेग दोजी एंड स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक्स पैटर्न में, कि इनकी शेडोज जो दी होंगी वो लंबी लंबी इक्वल दी होंगी, दोनों अपर शेडो एंड लोअर शेडो दोनों इक्वल दी होंगी, ओके, लॉन्ग लेग दोजी एंड स्प्रिंग टॉप दोजी दोनों इक्वल होंगी, बस दोनों के बॉडी पार्ट में फ़र्क होता है, वर्क भी इक्वल करते हैं, ओके। चाइल्ड वार की बात करूँ तो ये भी इनमें थोड़े से शेडोज जो होंगी वो छोटी दे रखी होंगी, ओके। तो अगर मार्केट में हमारा ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है, मैं अगर फर्स्टली ग्रीन कैंडल की बात करूं, तो अगर जब हमारा मार्केट ट्रेडिंग चार्ट पर ये ग्रीन कलर का हमारा स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिखाई देता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारा मार्केट अब यहाँ से डाउनवर्ड था अभी तक, लेकिन स्प्रिंग टॉप बनने के बाद ये हमारा अब ट्रेंड अपवर्ड की ओर जाएगा, ओके, यहाँ से हमारा मार्केट अप की ओर फ्लो करेगा, यहाँ हमारी नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो अभी कंटिन्यू 3 कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि श्योरिटी बहुत अच्छी देता है, ओके। तो हमारे ट्रेडिंग चार्ट पर जब भी हमें ये इस तरह का कुछ स्पिनिंग टॉप कैंडल दिखाई देता है ग्रीन कलर का, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारा मार्केट अब यहाँ से अपवर्ड की ओर जाने वाला है, ओके। अगर मैं यहाँ से रेड स्प्रिंग टॉप कैंडल की बात करूँ, तो अगर हमारे मार्केट चार्ट में ग्रीन कलर के अलावा
रेड कलर का स्पिनिंग टॉप बनता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारा मार्केट अभी तक तो फिलहाल हमारा अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन स्प्रिंग टॉप के बन जाने के बाद मार्केट में अगर ये हमारा रेड कलर का स्प्रिंग टॉप बन गया है तो यहाँ से हमारा मार्केट डाउनवर्ड जाने वाला है। ध्यान से एक बार फिर से बता रही हूँ, सुन लीजिएगा, अगर हमारा ट्रेडिंग चार्ट पर स्प्रिंग टॉप ग्रीन कलर का बनता है तो हमारा मार्केट अपआउट की ओर जाता है, अगर हमारा ट्रेडिंग चार्ट पर स्प्रिंग टॉप रेड कलर का बनता है तो यहाँ से हमारा ये इंडिकेट करता है कि हमारा मार्केट डाउनवर्ड जाने वाला है। ओके, कुछ इसी तरह के होते हैं। इनमें एक खास बात, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि अगर हमारा ट्रेडिंग चार्ट पर स्प्रिंग टॉप बन रहा है ओके, तो डेफिनेटली हमारी नेक्स्ट कैंडल, तो हमारी जो ये कैंडल कह रही है कि हमारे ग्रीन बनने पर मार्केट हमारा अपआउट जाएगा ओके, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी डेफिनेटली हमारी अपआउट जाएगी, ग्रीन जाएगी, लेकिन इसके चांसेस ये भी रहते हैं कि स्प्रिंग टॉप के बनने के बाद ट्रेडिंग मार्केट में, ट्रेडिंग चार्ट पर, ट्रेडिंग पैटर्न पर हमारे नेक्स्ट तीन कैंडल कंटिन्यू, हमारे तीन कैंडल हमारी अपआउट की ओर ग्रीन बनने वाली है ओके, ग्रीन बन सकती है। ग्रीन वाला अगर हमें ये इंडिकेट करता है तो स्प्रिंग टॉप के बन जाने पर, अगर हमारा ट्रेडिंग चार्ट में हमारा रेड कलर का स्प्रिंग टॉप बनता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट कैंडल तो हमारी ऑब्वियसली हमारी डाउनवर्ड की ओर बनेगी ओके, रेड कैंडल बनेगी, लेकिन हमारे चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आगे आने वाली हमारी दो और कैंडल्स, मतलब कंटिन्यू तीन कैंडल्स हमारी डाउनवर्ड की ओर जा सकती हैं ओके, ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड की ओर चलेगा, लेकिन उसके अलावा स्प्रिंग टॉप के बन जाने के बाद हमारा मार्केट, हमारी तीन कैंडल्स कंटिन्यू अभी हमारी डाउन फ्लो की ओर चलेंगी ओके। अगेन मैं आप सभी को फिर से एक बार रिपीट करा देती हूँ, ट्रेडिंग मार्केट में ट्रेडिंग चार्ट पर ग्रीन कलर के स्प्रिंग टॉप के बन जाने पर ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारा मार्केट अपआउट की ओर जाएगा, लेकिन आगे की तीन कंटिन्यू कैंडलस्टिक्स पैटर्न तीनों हमारे अपआउट की ओर जाएंगे, तीनों ग्रीन कलर के बनेंगे ओके। इनकी खास बात ये रहती है, ये मैक्सिमम 90% ये अप्लाई करता है कि हमारा नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट तीन कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी ओके। अगर हमारे ट्रेडिंग चार्ट पर रेड कलर का स्पिनिंग टॉप बनता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमें आगे का मार्केट का फ्लो डाउनवर्ड जाएगा, और इसके अलावा हमारी आगे की तीन कैंडल्स डाउनवर्ड की ओर बनने वाली हैं, चांसेस हैं तीन और कैंडल हमारी रेड बनने के ओके, तो ये हमें इंडिकेट करती है कि हमारा मार्केट डाउनवर्ड जाने वाला है ओके। तो होप्स आप सभी को ये स्पिनिंग टॉप कैंडल, चाइल्ड वार कैंडल अच्छे से समझ में आ गया होगा ओके। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को एक स्पेसिफिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न को लेकर के कंटिन्यू बताया हुआ है, नोट भी कराया हुआ है, और आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। सारे के सारे लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, चैनल पर जाकर भी आप वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं ओके। प्रॉपर एक एक कैंडल के बारे में आपको डीपली नॉलेज लेनी है ओके, मार्केट चार्ट पर एक एक कैंडल के बारे में जान करके आपको ट्रेडिंग करनी है, आप चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट हो, आप लॉस से बचें, तो आपको इन वीडियोस को गाइस देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ओके। सो फिलहाल ये स्प्रिंग टॉप वीडियो को हम अपने ट्रेडिंग लाइव चार्ट पर अप्लाई करके देखते हैं ओके, देखते हैं कि ये कितना अप्लाई हो सकते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, लाइव चार्ट पर हम किस तरह से इन पर ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको ढूंढ ढूंढ कर इनको प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ यहाँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर Qdex के लाइव अकाउंट पर, जिसमें आज इस समय आप सभी को मेरे लाइव अकाउंट में अबव $8,600 का लाइव बैलेंस शो हो रहा होगा, आप सब देख पा रहे हैं। एंड गाइज फर्स्टली अगर हम बात करें, मैंने आप सभी को बताया कि स्पिनिंग टॉप कैंडल अगर हमारी ग्रीन कलर की बनती है तो इंडिकेट करती है कि हमारा मार्केट अपआउट जाएगा, नेक्स्ट कैंडल हमारी अपआउट की बनेगी। अगर हमारी रेड कलर की स्प्रिंग टॉप कैंडल बनती है तो वो आज से मार्केट हमारा डाउनवर्ड जाएगा ओके। सो मैं आप सभी को कुछ आइडेंटिफाई करा देती हूँ। देन अभी मैं समय आप देख रहे हैं GBP CAD करेंसी पर 79 प्रॉफिट रेट है यहाँ पर, और इस करेंसी पर देखिए आप सभी को स्प्रिंग टॉप कैंडल ये देखने को मिल रहा है। मैंने आपको बताया जिसमें दोनों शेडो बराबर होती हैं, बीच का बॉडी पार्ट दे रखा होता है प्रॉपर वे में, और स्प्रिंग टॉप रेड कलर की कैंडल हमेशा डाउनवर्ड के फ्लो में बनती है ओके। सो डाउन हमारा ट्रेंड चल रहा है, एंड ये हमारी जो कैंडल है ये हमारी स्पिनिंग टॉप कैंडल है, देन नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउनवर्ड गई है, एंड अभी तक कंटिन्यू हमारा डाउनवर्ड मार्केट चल रहा है ओके। सो रेड कलर की स्प्रिंग टॉप बनने पर हमारा मार्केट डाउनवर्ड गया है ओके। देन मैं आप सभी को और दिखा दूँ, उसमें यहाँ पर ग्रीन कलर के स्प्रिंग टॉप की बात करें तो ग्रीन कलर के स्प्रिंग टॉप में आप सब देख सकते हैं, देखिए ये देखने को यहाँ पर मिल रही है हमें ओके। ये हमें कुछ स्प्रिंग टॉप कैंडल्स देखने को मिल रही हैं ओके। ये हमें स्प्रिंग टॉप कैंडल हमें देखने को मिली है, देन यहाँ से हमें कंटिन्यू जो हमारा फ्लो है मार्केट का
वो अपॉर्ट के लिए देख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि स्पिनिंग टॉप ग्रीन कलर की जो कैंडल बनती है वो हमेशा अपॉर्ट के फ्लो में, अपॉर्ट के जो डायरेक्शन होता है, जो उसका फ्लो होता है, जो ट्रेंड होता है, उस अपॉर्ट के ट्रेंड में ये हमें ग्रीन कलर की स्प्रिंग टॉप कैंडल्स देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा अपॉर्ट की ओर ट्रेंड बन रहा है, आप सब देख सकते हैं। देन ये जो कैंडल बनी है हमारी स्प्रिंग टॉप, ये बनी हुई है ग्रीन कलर की वाली। एंड देन उसके बाद मैंने बताया आपको, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कंटिन्यू 3-4 कैंडल हमारी अपॉर्ट की ओर जाएंगी। स्प्रिंग टॉप की एक खास बात रहती है कि मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि वहाँ पर शायद 2-3 कैंडल अभी कंटिन्यू हमारी अपॉर्ट की ओर जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर हमारा एक स्प्रिंग टॉप बना है, वैसे ही हमारी नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनी है स्प्रिंग टॉप, अगेन हमारी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, देन अगेन हमारी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, और यहाँ से पूरा कंटिन्यू मार्केट हमारा अपॉर्ट की ओर जा रहा है। देन ग्रीन कलर के ये हमें ग्रीन कलर के स्प्रिंग टॉप बनने के बाद हम कहीं पर भी अगर हम ये ट्रेड प्रेस कर देते, मैं एक सेकेंड अब ये ओपन कर लेती हूँ थोड़ा सा, ये रहा। तो ग्रीन कलर की स्प्रिंग टॉप कहीं पर भी बनने पर, अगर हमारी ये ग्रीन कलर की स्प्रिंग टॉप बनती है, तो जहाँ मैं यहाँ पर चाहे यहाँ पर 1 मिनट की या 2 मिनट की या 3 मिनट की या 5 मिनट की, जहाँ पर भी हम ट्रेड प्रेस करते, गाइज ऑब्वियसली हमारी ये ट्रेड 110% विनिंग होकर के आती है। ओके, सो मैंने आपको दोनों एग्जांपल यहाँ पर दिखा दिए। ये हमारा ग्रीन कलर का स्प्रिंग टॉप बनने पर अपॉर्ट की ओर ट्रेंड शो कर रहा है, आप सब देख सकते हैं, ये लाइव चार्ट है। एंड इस वक्त जो टाइम हो रहा है लगभग अभी 12:50 हो रहा है, मतलब 12:50 टाइम हो रहा है। देन अभी कुछ टाइम पहले अब मान के चलिए 12:44 पर, ओके 12:44 टाइम पर हमें ये रेड कलर की स्प्रिंग टॉप कैंडल देखने को मिली थी। देन यहाँ से हमारा मार्केट कंटिन्यू डाउनवर्ड जा रहा है। ओके, किसी और करेंसी की बात करें तो हम किसी और, चलिए यही उठा लेते हैं AUD CAD करेंसी पर। यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा दूँ अगर कोई हमें ऐसा कोई कुछ ट्रेंड ऐसा देखने को मिल रहा हो तो। गाइज देखिए हमें एक और देखने को मिल रहा है, ये हमें अगेन हमें यहाँ पर देखें ग्रीन कलर का स्प्रिंग टॉप कैंडल देखने को मिल रहा है, अगेन हमारा अप ट्रेंड की ओर है। देन हमारी कंटिन्यू यहाँ से ट्रेंड अपवर्ड की ओर गया है, सारी की सारी कैंडल्स हमारी ग्रीन बनी हुई है। ओके, सो यहाँ पर भी स्प्रिंग टॉप कैंडल देखने पर अगर हम इजिली 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट की हम कहीं पर भी ट्रेड ये प्रेस करते, तो हमारी ऑब्वियसली ये ट्रेड 110% विनिंग होकर के आती। ओके गाइज, सो होप्स आप सभी को ये स्पिनिंग टॉप कैंडल अच्छे से समझ में आ गया होगा, आइडेंटिफाई करना आप सभी ने सीख लिया होगा। ओके, सो आप सभी मैं यहाँ पर आप सभी को लाइव ट्रेड करके दिखाती हूँ। ओके, मैं यहाँ पर अमाउंट अपना कर लेती हूँ $100। ओके, देन मुझे लगता है कि हमारा यहाँ पर देखिए व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये हमें रेड कलर का स्प्रिंग टॉप देखने मिला है, मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड डाउनवर्ड डाल दी हैं, प्रेस कर दी हैं। देखते हैं हमें ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, क्योंकि स्प्रिंग टॉप मैंने बताया हुआ है कि रेड कलर की स्प्रिंग टॉप कैंडल बनने पर हमें इंडिकेट करता है कि चांसेस रहते हैं 99% चांसेस रहते हैं कि हमारा मार्केट डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है कि हमारा ये डाउनवर्ड पीक पॉइंट कैंडल है तो हमारा वहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो अपॉर्ट की ओर जा भी सकता है, लेकिन 99% चांसेस रहते हैं इसके डाउनवर्ड जाने के। ओके, क्योंकि अपने आप अगर आप सभी को देख रहे हो, जिग जैग को फॉलो करते हुए देख रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कैंडल पर हमारा ये पैटर्न अप्लाई नहीं हो पाता है। ओके, लेकिन मैंने कहा मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि ऐसा होता है। ओके, फिलहाल तो 9 सेकेंड है अभी ये ट्रेड हमें इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, हम वेट करेंगे 5 सेकेंड से, हमारे पास बड़ा सस्पेंस है। देन इसमें हमारी एक ट्रेड विन हुई है। ओके, देन कोई नहीं, हम यहाँ पर बाकी इसमें करेंगे। यहाँ पर हमारा अगेन डाउनवर्ड की मैं दो रिकवरी और 2 प्रॉफिट के लिए डाउनवर्ड डाल रही हूँ ट्रेंड। ओके, मैंने $500 इन्वेस्ट किए हुए हैं डाउनवर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट कैंडल, अगर पहले के पार्ट आप सभी ने देखे हों तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये हमारा ये ग्रेवस्टोन दोजी बना हुआ है। ओके, देन ग्रेवस्टोन दोजी बनने पर हमारा मार्केट डाउनवर्ड जाता है। ओके, उसी को अप्लाई करते हुए मैंने यहाँ पर $500 इन्वेस्ट कर दिए हैं डाउनवर्ड की ओर। देन इस ट्रेड का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, वेट करेंगे। ओके, सो 25 सेकेंड्स हमारे पास, वेट करेंगे कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रेड हमारी 110% विनिंग होकर के आएगी। ओके,
$500 हमारे इन्वेस्टेड हैं, 15 सेकंड्स का हमारे पास टाइम है, वेट करना है कि हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। मैं जो भी ट्रेड कर रही हूँ आप सभी के सामने लाइव कर रही हूँ गाइज, एंड जो भी मैंने आज की इस वीडियो में आप सभी को बताया सिखाया, एंड प्रीवियस वीडियो में जो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ उसी के बेस पर आप सभी को मैं ट्रेड करके दिखा रही हूँ। ओके, देन यहाँ पर मुझे $895 का प्रॉफिट हो चुका है। ओके गाइज, देन आप सब देख सकते हैं कि मैंने आपका अपना पिछला लॉस भी कवर कर लिया, देन प्रॉफिट में भी आ गए। आज हमने पार्ट 7 की वीडियोस में मैंने आप सभी को बताया था स्प्रिंग टॉप कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में, ये क्या होते हैं, किस तरह से वर्क कर सकते हैं, ओके, इनका लुक्स टाइप्स कैसा हो सकता है, इनका आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है, सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। होप सो आप सभी को आज की वीडियो देखने के बाद स्प्रिंग टॉप क्या होते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इनका आइडेंटिफिकेशन अच्छे से सीख गए होंगे, इनको पहचानना अच्छे से सीख गए होंगे, मार्केट चार्ट पर हम किस तरह से इन पर ट्रेड विन कर सकते हैं, ओके, इनकी श्योरिटी किस तरह से रह सकती है आप सभी अच्छे से जान गए होंगे। सो आज की वीडियो देखने के बाद आपने बहुत कुछ सीखा होगा, एंड गाइज आगे की वीडियोज़ में आप सभी बहुत कुछ सीखने वाले हैं और सीखना चाहते हैं, तो गाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, इंटरेस्टिंग लगा है तो, एंड गाइज अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक वैल्यूएबल कमेंट हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अच्छा वर्क करने के लिए। सो गाइज आज हमें स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में जाना था, कल मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ नई वीडियो में। सो तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।